अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल। ठीक है, देखिए जैसे ये कंसीडर करिए एक पॉलीनोमियल में को, इसमें जहाँ जहाँ x दिया है उसकी जगह 1 पुट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आएगा 4। तो हम ये कह सकते हैं जो वैल्यू होगी पी एक्स की एट x इक्वल टू 1 पे वो कितनी है 4। इसी तरह p की जगह x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इस तरह आप और वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, कि इसमें आपको पी एक्स इक्वल टू इतना दिया है तो एट x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 33 में। पेज नंबर 33 में देखिए जो फर्स्ट नंबर वो सॉल्व किया है पी एक्स इक्वल टू 5x² - 3x + 7। तो यहाँ x की जगह 1 पुट करना है तो 5 × 1² - 3 × 1 + 7। 1 का स्क्वायर 1, तो 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3 + 7। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 और दोनों प्लस में रहेंगे 2 + 7 आ जाएगा 9। ठीक, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई पॉलीनोमियल पी एक्स की एट एक्स इक्वल टू 1 पे 9। ठीक है, इसी तरह ये सारे एग्जांपल सॉल्व हैं। ठीक, अब यहाँ कंसीडर करिए आप पॉलीनोमियल को पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। क्या कंसीडर कर रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। ठीक, तो अब पी वन पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट करिए, एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब P1 इक्वल टू जीरो आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं 1 जो है इज अ 0 है ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स का। क्या कहेंगे हम, P1 इक्वल टू जीरो आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि 1 जो है 0 है ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स का। ठीक है, सिमिलरली आप चेक करिए, देखिए कि 2 जो है 0 है ऑफ क्यू एक्स का, वेयर क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। तो मतलब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 = 0 हो जाएगा, तो 2 जो है 0 होगा ऑफ क्यू एक्स का। ठीक है, तो जनरली हम क्या कहेंगे, वी से दैट अ जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल पी एक्स इज अ नंबर सी सच दैट पी सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो जनरली हम ये कहेंगे कि एक जो 0 होता है पॉलीनोमियल पी एक्स का वो एक नंबर होता है, इज अ नंबर होता है सी, इस तरह का नंबर होता है कि जब हम पी सी रखेंगे, पी वहाँ पर सी पुट करेंगे तो इक्वल टू वो 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है, पी एक्स एक पॉलीनोमियल होगी, वहाँ पे जब हम एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो उसका उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, तो वही जो सी है वो उसका कहलाएगा 0 ऑफ अ पॉलीनोमियल पी एक्स। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स माइनस 1 इज ऑब्टेन बाई इक्वेटिंग इट टू 0। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो 0 है ऑफ द पॉलीनोमियल x माइनस 1 वो कैसे ऑब्टेन हुआ था, बाय इक्वेटिंग करके उसको 0 में, दैट इज x माइनस 1 इक्वल टू 0 जो हमें देता है x इक्वल टू 1। तो हम ये कह सकते हैं b से पी एक्स इक्वल टू 0 हो, 0 जो है एक पॉलीनोमियल इज अ पॉलीनोमियल इक्वेशन है एंड 1 इज द रूट ऑफ द पॉलीनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू 0 जो है एक पॉलीनोमियल इक्वेशन है एंड 1 जो है रूट है ऑफ द पॉलीनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0 का। सो वी से 1 इज द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स माइनस 1, तो हम ये कहेंगे जो 1 है 0 है ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स माइनस 1 का, या फिर रूट है 1 जो है रूट है ऑफ द पॉलीनोमियल इक्वेशन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम कंसीडर करते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल 5 को, क्या बता सकते हैं कि इसका 0 क्या होगा। तो हम ये बता देते हैं आपको कि इसका कोई भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम इस पर रिप्लेस करेंगे x को किसी भी नंबर से, यानी x की पावर 0 को, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमें 1 मतलब x की पावर 0 1 किसी यहाँ पर कुछ भी लिख के 0 लगाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो हम ये कह ये फैक्ट है एक कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल हैज़ नो जीरो, एक आपका नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल जो होता है उसका कोई भी 0 नहीं होता है। ठीक, एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ द 0 पॉलीनोमियल, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं आपके वो 0 होते हैं ऑफ द 0 पॉलीनोमियल के, मतलब जितने भी रियल नंबर है वो 0 होता है उसका, वो 0 होगा 0 पॉलीनोमियल का। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आज आप आ जाइए पेज नंबर 34 में। देखिए एक जो लीनियर पॉलीनोमियल होता है उसमें 1 एंड ओनली 1 0 होता है, मतलब जो लीनियर पॉलीनोमियल होगा उसका सिर्फ एक 0 होगा। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, सो देखिए ए 0 ऑफ अ पॉलीनोमियल नीड नॉट बी 0, एक जो 0 होता है पॉलीनोमियल का ज़रूरी नहीं है कि उस वो 0 ही हो, उसे 0 होने की ज़रूरत नहीं है।
जीरो में भी है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है या होता है जो भी, उसका सिर्फ वन एंड ओनली वन जीरो होगा। ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, एक पॉलिनोमियल के वन से ज़्यादा भी जीरो हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप घर में पढ़िएगा, कुछ समझ में ना आए तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं।